हेलो गाइस, नमस्ते आप सभी को, नमस्ते। तो फिलहाल मैं अभी जा रही हूँ, बारिश का मौसम है, आसमान कभी खुला दिखता है कभी बार काला दिखता है। तो सोच तो नहीं रहे अभी क्या करेगा, घर बैठे बैठे थोड़ा हल्का बारिश दे देता है फिर ठीक हो जाता है, तो घर बैठे बैठे क्या करेगा, बोरिंग सा लग रहा है। तो अभी मैं और बुआरी मकई लेने जा रही हूँ खेती पे, और बुआरी जो आगे में जा रहे हैं। यार गाइस, आप लोग मेरा वीडियो को देख के सब्सक्राइब क्यों नहीं करता यार, कब बनेगा? एक वन केक होगा तो मैं पार्टी करेंगे सोच रहा है, फिर कब होगा पता ही नहीं है, एक साल का बात तो हो जाएगा शायद। आप लोग सब वीडियो मेरा वीडियो देखता तो है, सब्सक्राइब कोई भी नहीं कर देता है, मुझे थोड़ा बहुत दुख भी लगता है यार। मेरा क्या होता है ना, बात करते करते ये वाला यहाँ पे जीन बैठ जाता है, भागो मैं ऐसे देखते हुए देख सकते हो। अरे यार मैं थक गया। अब फिलहाल यहाँ पे भी मकई खेती है, मैं चोरी तो नहीं कर सकता, ये किसी और का है, तो मैं बहन का खेती में जा रही हूँ, वहाँ से तोड़ेंगे लेके आएंगे, बॉयल करके खाएंगे। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका है मकई बाड़ी में, देख सकता है ये है मकई बाड़ी, बुआरी जो अंदर में जाके तोड़ चुका है, मैं अभी तोड़ने वाली हूँ। ये बुआरी जो उसका हस्बैंड का साथ बात कर रहा है, यार बहुत बड़ा बड़ा जंगल है। ये देखिए मकई छोटा छोटा है, इस साल कुछ खास नहीं हुआ इतना। ये वाला तोड़ेंगे, ये वाला छोटा छोटा वाला पूरा काटा गच्ची है। अयो मगो, मेरा भी तो तेरा तो तेरा मोटा है, खाली निकले हमको क्या बात करते हैं। गाइस मैं एक बार बता दूं, मेरा पास ना हस्बैंड है ना बॉयफ्रेंड है, कोई भी नहीं है, मैं अकेला से खुद सर्त है। ये बुआरी का तो हस्बैंड भी है पति भी है, जो वो बता रहे कि यहाँ पे हम दोनों पूरा वो हाल मारने वाला जगह में चल के आए तो चप्पल स्लिप हो रहा है, वो बता रहे कि मेरा चप्पल नहीं टूटने से ठीक है, बोला मैंने भी बोला मेरा भी चप्पल नहीं टूटने से ठीक है बोल के बोला, तो उन्होंने बोला तेरा बॉयफ्रेंड है, उसका तो हस्बैंड है, मेरा कोई भी नहीं है, देख सकता है। आप लोग भी सपोर्ट नहीं करता है मुझे, तो गैस क्या करो, सपोर्ट करो या ना करो, मैं मकई तोड़ने के बाद मिलती है, तब तक के लिए बाय बाय। तो गैस हम लोग इधर देख सकते हैं मकई का छिलके, इतना इतना ज़्यादा जबरा निकल गया, छिलके ले जाएंगे अभी, छोटा छोटा है तो अभी जाएंगे घर, सकन कलंग पीछे में उठा के लेके जाएंगे। तो चलते हैं, अभी थोड़ा थोड़ा देर पहले धूप निकला है, फिर से बारिश आने वाला है, पूरा बादल देख सकते हैं आसमान में, आसमान पातल काला होता है, कभी धूप होता है कभी बारिश होता है। हम लोग इधर अभी रेनी सीजन चल रहा है, जून जुलाई महीना, अप्रैल मई जून जुलाई महीना पूरा रेनी सीजन होता है हम लोग का अरुणाचल प्रदेश में। तो मिलती है घर पर दोस्तों। गाइस घर पहुँच गए अभी, अभी हम लोग ट्यूबवेल में जा रहे हैं हाथ धुलाने के लिए, पाँव धुलाने के लिए। हम लोग का ट्यूबवेल कुछ इस तरह से, हम लोग का ट्यूबवेल बहुत सुंदर है, बहुत बहुत सुंदर है, पानी मारने से एक झटका में पानी इतना निकलता है, ये प्योर वाटर है, प्योर वाटर मिनरल वाटर है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे एक बर्तन हम लोग के लोकल चूल्हा में बॉयल कर रहे हैं, जो कि अभी बहुत गंदा हो रखा है बारिश का वजह से, देख सकते हैं आग जला के
मैं यहाँ पे डाल के बॉयल कर दिया, उसका ढकनी भी नहीं है फिर भी मैं छोप दिया इसको, एक बर्तन बॉयल करके रख दिया। तो गाइस मैं मकई वकई खा के हो गया, कोई भी नहीं था घर में इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि अकेला अकेला अच्छा भी नहीं लगता है ना। है एक तो बुआरी है मेरा, अपना बुआरी तो कहाँ भाग गया, घूम के घूमने के लिए चला गया। तो फिलहाल मैं अभी काटेंगे पपाया घास, किस तरह से काटेंगे आप देखते रहिए। ये जो पपाया घास जो ये देख रहे हैं ना, तेरा हो गया, ये मेरा घर का साइड में आ रहा है, इसका वजह से मैं अभी इसको काट के उधर साइड में ठेल देंगे। आप लोग देखते रहिए, तब तक मेरा वीडियो में बने रहिएगा। तुम थोड़ा इधर साइड में जाओ, ये पतिना भी जाओ, ये गिरेगा। क्या गिरने वाला है घर में, यहाँ पे आ। गाइस मैं आप लोगों को दिखाने वाले हैं, ये मेरा घर का टीना बैन हो गया। मम्मी गाली देगा होगा, घर का टीना बैन कर दिया, कोई बात नहीं फिर भी काट दिया। दोस्तों मैं थोड़ा थक गया इसलिए बैठा हुआ है, इतना कट के रखा हुआ है अभी। मोइलान, मोइलान क्या कर रहा है, इधर आओ। तो मैं आप लोगों को दिखाने वाला है मेरा कैमरामैन, जो कि अभी घर में कोई नहीं है, मेरा घर में रहता भी कोई नहीं है, और दिन में सब लोग अपना अपना काम में चला जाता है। तो अभी मेरा घर में मोइलान इधर इधर आओ, हम आप लोगों को दिखाएंगे मेरा कैमरामैन किस तरह से है। दौड़ के आओ, ये है मेरा कैमरामैन, इधर आओ ना, इधर ये देख सकता है, ये मेरा कैमरामैन है, ये है मेरा दीदी का बेटी। तो गाइस उस दिन से बारिश दे रहा था, इतना दिन से बारिश दे रहा था, लकड़ी जो 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 पेड़ सब काटने के बाद, आप लोग देखा होगा मेरा पिछले वीडियो में, ये पेड़ सब काटा काटने के बाद पूरा बारिश क्लीन करने के लिए समय ही नहीं मिला है बारिश का वजह से। तो फिलहाल अभी मैं एक पेड़ का डाल सब जो अभी
यही पेड़ का डाल सब यहाँ पे जो गिरा है छोटा छोटा सब इतना ज़्यादा काट लिया है। अभी दूसरा पेड़ का डाल सब बाकी है, अभी मैं धीरे धीरे काटेंगे। ये पेड़ का डाल जो ना जब कच्चा रहता है तो काटने के लिए ज़्यादा आसान रहता है, सूख जाने के बाद बहुत अच्छा अच्छा होता है। ये पेड़ नीम पेड़ है तो काटेंगे, फिर आप लोग बने रहिए मेरे। ये बोला एक पेड़ का डाल है तो बाकी उसमें तीन पेड़ का डाल रह गया, पर ऊंचा ऊंचा है, थोड़ा तकलीफ होगा। आज तो नहीं काट सकेगा होगा, अभी तो शाम भी हो गया, जितना सकेगा मैं काटेंगे। मौसम भी ख़राब हो रखा है, देख सकते हैं। अब इसको यहाँ पे सुखा के रखेंगे बड़ा बड़ा को। तो गाइस दो पेड़ मैं मुंह दे रहा है, दो पेड़ जो काट के रेडी हो गया, अभी वो साइड में दो तीन पेड़ बचा रह गया। रात भी हो गया, इन लकड़ियों को अभी थोड़ा इस तरह से सुखा के रख देंगे। ये अभी कच्चा कच्चा है, बाद में सूखेंगे तो जलाएगा। ये आंगन वाला भी सफा करना पड़ेगा, तो हमें दिखाओ। हाँ तो पीछे जाओ, देख रहे हैं। तो गाइस आप लोगों को मेरा वीडियो देख के कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं यही बोलना चाहता हूँ, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय बाय।